अम्बाजरी पुलिस थाना अंतर्गत शराब पीने से रोकने जैसे मामूली विवाद के चलते 137 वर्षीय व्यक्ति को तीन आरोपियों ने गंभीर जख्मी कर दिया। इस मामले में पुलिस ने कार्रवाई करते हुए दो आरोपियों को गिरफ्तार किया, वहीं एक आरोपी अब भी फरार है, जिसकी जांच पुलिस द्वारा जारी है। मिली जानकारी के अनुसार सोमवार को लगभग 11 बजे के दरमियान फिरियादी समीन दर्जाना ये अपने एक दोस्त के साथ अम्बाजरी पुलिस थाना अंतर्गत आने वाले रामनगर मालटोड़ी ग्राउंड के बाहर बैठा था, जिस दौरान आरोपी सचिन शिलोर और रंजित महतो और एक अज्ञात आरोपी को फिरियादी ने इस इलाके में शराब ना पीने को कहा, जिससे गुस्साए आरोपियों में से आरोपी रंजित ने फिरियादी के सर पर बोतल से वार किया और एक अज्ञात आरोपी ने फिरियादी के नाक पर टूटी हुई सीमेंट की ईंट फेंक के मारी, जिससे फिरियादी का नाक फ्रैक्चर हो गया और वह गंभीर जख्मी हो गया। इस संदर्भ में फिरियादी द्वारा मिली शिकायत के आधार पर अम्बाजरी पुलिस ने मामला दर्ज किया व पुलिस सहायक निरीक्षक संदीप शिंदे ने इस मामले में अधिक जानकारी साझा की। कल दोपहर के बाद सीरिया भवन जो है रामनगर का, वहाँ दारू बिक्री करने वाले ऑनलाइन दारू बिक्री करने वाले दो इसम खड़े थे। वो दारू बिक्री करने के बाद ऑनलाइन का व्यवहार था तो उनके पैसे गिन रहे थे, तभी वहाँ पे दो आरोपी आए। उन्होंने बोला आरोपी आए जिनके हाथ में दो दारू की बॉटल थी, उन्होंने बोला कि ये सिविल एरिया है, यहाँ पे शराब मत पियो। तो उसमें से एक आरोपी ने जो फिरियादी है बॉटल फोड़ के फिरियादी के सर में मार दी, और जो तीसरा दूर खड़ा था उसने फिरियादी को पत्थर फेंक के मारा तो उसके नाक को लगा फिरियादी के, तब उनकी मेडिकल हुई। मेडिकल रिपोर्ट के बाद पुलिस स्टेशन में आकर गुनाह दाखिल किया है उनके ऊपर। अभी दो आरोपी अटक है और एक आरोपी मिलना बाकी है। इस मामले में पुलिस ने दो आरोपियों को गिरफ्तार किया है और पुलिस द्वारा आगे की कार्रवाई जारी है। जब बीसीएन टीम ने पुलिस से अधिक पूछताछ की तो ये जानकारी सामने आई कि गिरफ्तार किए गए आरोपियों के खिलाफ पहले भी मामले दर्ज है। कैमरा पर्सन माइकल रामपुरे के साथ दिशा हटवार की रिपोर्ट।